हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ एक स्नैक्स की रेसिपी, जो समोसे और हमारा स्प्रिंग रोल का कॉम्बिनेशन है। ये बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप इसे फटाफट बना सकते हैं छोटी मोटी पार्टियों में, जिससे जल्दी और अच्छी क्वांटिटी में बन जाता है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक बाउल में 1.5 कप मैदा। ये मेजरिंग कप मेरा 240 ml वाला है, और 1.5 कप मैदे में 3 से 4 लोगों को आराम से ये नाश्ता हो जाता है, तो अच्छी क्वांटिटी में बन जाती है। इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच अजवाइन। तो इस तरह से हाथों पे लेके हल्का मसलते हुए डालिएगा, जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाए इसमें। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक। नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालें, लेकिन आटे के हिसाब से। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच तेल। तो 1/2 कप में 1 चम्मच भर के तेल जाता है, परफेक्ट मोयन होता है। अभी हम इसकी मोयन कर रहे हैं, जिससे हमारा जो समोसे की पट्टी होती है वो बहुत खास्ता बनती है ऊपर की ले और क्रिस्पी रहती है। इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, और इस तरह से जब इसे बांध दिएगा तो अच्छे से एक लड्डू जैसा बन जाता है, मतलब कि इसमें मोयन बराबर है। अगर कम लगे तो थोड़ा सा तेल और डाल सकते हैं, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा नॉर्मल पानी डाल के इसका हार्ड डो गुथेंगे, मतलब कि हमें इसका कड़क डो आटा गुथना है, हमें इसका सॉफ्ट आटा बिल्कुल भी नहीं गुथना है, थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए बिल्कुल समोसे की जैसा। तो यहाँ पे इसे मैंने गुथ लिया है, बहुत ही कम पानी लगता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा थोड़ा थोड़ा पानी का यूज़ कीजिएगा। इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं, तब तक हम बाकी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 1 से 1.5 चम्मच तेल को गर्म कर लिया है। इसमें हम डालेंगे जीरा। तो यहाँ पे 1/2 छोटा चम्मच हमने जीरा डाल दिया है। साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 3 से 4 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 से 3 लहसुन की कलियों को क्रश कर लिया है मैंने, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहिए तो कट करके भी डाल सकते हैं, लहसुन नहीं खाते तो स्किप भी कर सकते हैं। इसे हम 20 से 30 सेकंड के लिए भून लेंगे, जिससे ये भून जाए अच्छे से। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप कटे हुए मिक्स वेजिटेबल, जैसे बारीक कटा हुआ देख रहे हैं। इसमें प्याज है, गाजर है, शिमला मिर्च है, हरे वाले प्याज के पत्ते भी हैं, और पत्ता गोभी है। आपको जो भी सब्जियां पसंद है वो उसे कट करके डाल दें। तो एकदम बारीक बारीक कट किया हुआ है। इसे हम 2 मिनट के लिए भून लेते हैं अच्छे से मीडियम फ्लेम पर, जिससे कि इसकी क्वांटिटी भी कम हो जाए और थोड़ी सी ये भून जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं कलर भी चेंज हो गया है थोड़ा सा। अब हम इसमें डालेंगे 3 उबले हुए आलू, जिसको छील के मैश कर लिया है, इसमें हम डाल देंगे। और इसमें हम डालेंगे बाकी की चीज़ें। तो यहाँ पे 1 छोटा चम्मच इसमें नमक गया है, नमक टेस्ट के अनुसार डालें। 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर हम इसमें डालेंगे, और इसमें 1/4 छोटा चम्मच गर्म मसाला डालेंगे, और इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। और इसी के साथ में मैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, आप डाल सकते हैं या फिर नहीं भी। और इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर गया है बस। लास्ट में इसमें जाएगा 1/4 छोटा चम्मच चाट मसाला, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। जितना अच्छा आपका ये मसाला बनेगा उतना ही अच्छा खाने में लगेगा आपको। तो इसे हम 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे, सभी चीज़ अच्छे से भून जानी चाहिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे काफ़ी सारा हरा धनिया, इससे दिखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमारा जो ये मसाला है वो बन के रेडी हो गया, देख रहे। इसे हम अब निकाल के थोड़ा ठंडा होने देते हैं। इसके बाद हम इसकी चटनी बनाते हैं एक। तो यहाँ पे मैंने लिया है काफ़ी सारा हरा धनिया, तो मैंने थोड़ा मीडियम वाला जार का यूज़ किया है, जिससे कि ये बाहर ना निकले। तो थोड़ा सा इसमें फ्रेश पुदीना भी डाल देंगे। इसमें 2 से 3 हरी मिर्च डाल दें, जितना आपको तीखा पसंद हो। और इसके बाद हम इसमें 2 से 3 लहसुन की कलियाँ डालेंगे, और 1/2 इंच अदरक के टुकड़े को डाल देंगे, और इसमें 3 से 4 चम्मच दही डाल देंगे। दही अगर कम खट्टा है तो आप दही ज़्यादा डालें, अगर ज़्यादा खट्टा है तो दही कम डालें, उस हिसाब से आपको डालना है। इसमें 1/2 छोटा चम्मच के आसपास नमक जाएगा, नमक टेस्ट के अनुसार डालें, थोड़ा कम भी जा सकता है आपको। इसे हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पे पीस के रेडी हो गया, इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे, और ये चटनी इसके साथ बहुत ही अच्छा जाता है। अब हम एक बैटर बना रहे हैं। तो यहाँ पे एक बाउल में मैंने 3 चम्मच मैदा लिया है। आपको सिंपल सा एक बैटर बनाना है, जिससे कि बहुत ही अच्छे ऊपर एक इसकी कोटिंग हो जाए। 1/4 छोटा चम्मच के आसपास नमक डालेंगे, और पानी डाल के इसका एक घोल बना लेंगे। तो हमें इसका एकदम पतला घोल बनाना है, एकदम रनिंग वाला, आपको जैसा देखने में आ रहा होगा अच्छा पतला घोल है। इसे हम साइड में रख देते हैं, बाकी की सभी चीज़ें हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने आटा ले लिया है, आटा रेस्ट करते हुए 15 से 20 मिनट हो गया। इसको एक बार और मसल लेते हैं, जिससे सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। इसका मैंने 3 पार्ट में इसे डिवाइड कर लिया है, और इसको हम बेलेंगे।
तो एक साथ में आप बड़ा भी बेल सकते हैं, छोटा भी बेल सकते हैं। मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रही हूँ जिससे आप एक बार में काफ़ी सारे बना के तैयार कर सकते हैं। तो मैंने 3 पार्ट में लोई ले ली है और ये बड़ी साइज़ की लोई है। इसको हम अच्छे से बेल लेंगे। इसे हम बहुत ज़्यादा ना मोटा बेलेंगे ना ही बहुत ज़्यादा पतला। हमें 5 रुपये के सिक्के की इतनी थिकनेस रखनी है इसको। और इसके साइड्स को हम कट कर लेंगे और इसे हम एक चौकोन शेप में दे देंगे। अब हम इसके ऊपर हमारा मसाला फैलाते हैं। जिस तरह से मैं फैला रही बिल्कुल उस तरह से आपको फैलानी है जैसा कि आप देख रहे हैं। अच्छी एक मोटी लेयर इस पे मसाले की रखें जिससे फिलिंग बहुत अच्छा हो इसके अंदर। इसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे। तो आप नीचे से फोल्ड करते जाइए और इसको इस तरह से राउंड कर लीजिए, रोल कर लीजिए। और जो आपको एक ही राउंड लेना है, लास्ट में आप इसको चिपका दें। जो हमने घोल बनाया था उसी से आपको इसको चिपकाना है, सील करना है इसके किनारे को। इसके बाद आप इसको अपने हिसाब से साइज़ में कट कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कितना अच्छा और कितना जल्दी एक बार में निकल जाता है। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप इसी तरीके से सभी को बना के ले लीजिए। और ये बहुत ही सिंपल टेस्टी नाश्ता है। यहाँ पे मैंने ले लिया है, निकाल लिया है। अभी से हम फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए आप देख सकते हैं कि हमने जो बैटर बनाया था, घोल बनाया था, उसमें हम इसे डिप करेंगे। उसके बाद हम इसे तेल में डालेंगे। तो तेल हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए, फ्लेम भी मीडियम रखें और इसको एक एक करके डालते जाएँ। घोल से ये होगा कि साइड्स के जो मसाले हैं वो निकलेंगे नहीं तेल में जाने के बाद, वो सील हो जाएगा। और ऊपर से मैदे की जो घोल है उसके कारण ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी होती है और लंबे टाइम तक ये क्रिस्पी रहता है। ठंडा होने के बाद भी एक क्रिस्पी रहता है। तो आप आराम से इसे पार्टी में सर्व कर सकते हैं, पहले से बना के रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको गरम गरम ही फ्राई करना है। ये स्नैक्स खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। इसको हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। देख रहे हैं कितना सुंदर कलर इसका आ गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम सभी को फ्राई करके ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे एक प्लेट में ले लिया है, साथ में थोड़ा सा टमाटो केचप लिया है और हमने जो चटनी बनाया था वो लिया है। इस तरह से बच्चों को भी आप काफ़ी सारी सब्जियाँ खिला सकते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आती है रेसिपी। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर दबा लें जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ में।